हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शकुंतला पटेल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी किताबें में। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास शाश्वत साहित्य के सुंदर उदाहरण हैं और इनकी प्रत्येक रचना हमारे भारतीय परिवार की जीती जागती तस्वीर। आज के बुक सारांश में है इन्हीं का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। मध्यम वर्गीय परिवार, दहेज प्रथा और अनमिल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास को लिखा गया है। इस उपन्यास की नायिका निर्मला 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। निर्मला के पिता का नाम उदय भानुजी है, जो पेशे से एक वकील हैं। निर्मला की माँ कल्याणी है। उदय भानुजी निर्मला का विवाह एक ऊंचे खानदान में डॉक्टर से करा देते हैं। वर पक्ष खानदानी लोगों में से था, इसलिए उनकी मांग थी कि आप हमें दहेज दें या ना दें, ये आपकी मर्जी, लेकिन हमारे बारातियों का स्वागत धूमधाम से कीजिएगा। उदय भानुजी खुशी खुशी निर्मला की विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। बारातियों के स्वागत के लिए बाजे गाजे, महंगे पकवान और सजावट की लंबी चौड़ी सूची बनने लगती है। तभी उनकी पत्नी कल्याणी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तब से कोई बारातियों को खुश रख सका है क्या? इसलिए कर्ज के रूपए में अधिक दिखावा करना सही नहीं है। उदय भानुजी का मन बेटी की विवाह को लेकर बोझिल सा था, इसलिए वे शाम के समय टहलने निकले थे। तभी मतई नाम का एक कैदी अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से उदय भानुजी के सिर पर लाठी से वार कर देता है। सिर का चोट गहरा होने से उदय भानुजी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अब उनके संधि भालचंद्र जी को लगा कि इस घर का कमाने वाला नहीं रहा, इसलिए हमारे बारातियों का स्वागत धूमधाम से नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने निर्मला का रिश्ता तोड़ दिया। उदय भानुजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कल्याणी एक निर्धन विधवा का जीवन जी रही थी और वह अपनी गरीबी और दहेज न दे पाने की व्यवस्था की वजह से निर्मला का विवाह एक अधेड़ विदुर वकील मुंशी तोताराम से करा देती है, जिसकी पहली पत्नी से ही 3 बेटे थे। मुंशी तोताराम विवाह के बाद निर्मला को खुश करने के लिए उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आते हैं और अपनी कचहरी से वक्त निकालकर उसके साथ घूमने फिरने भी जाया करते हैं। लेकिन निर्मला उन्हें अपने पिता की उम्र का व्यक्ति समझकर उनसे नजरें और देह चुराकर दूर भागती थी और उन्हें आदर सम्मान का वस्तु समझती थी। निर्मला की विधवा ननंद रुक्मणी भी उन्हीं के साथ उनके घर में रहा करती थी और वह निर्मला को ताना कसने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। इसलिए निर्मला अपना सारा समय बच्चों के साथ ही बिताती थी और उन्हें एक माँ का स्नेह दुलार दिया करती थी। निर्मला का बड़ा बेटा मनसाराम उसी की उम्र का था, इसलिए निर्मला और मनसाराम का संबंध मित्रवत था। निर्मला मनसाराम से अंग्रेजी भी सीखा करती थी, लेकिन निर्मला और मनसाराम का एक दूसरे के साथ हंसना बोलना, एक दूसरे के साथ बात करना मुंशी तोताराम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे इन दोनों के रिश्ते को कुंठा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। मुंशी तोताराम अपने बढ़ते हुए शक की वजह से मनसाराम को हॉस्टल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। निर्मला और मनसाराम को जैसे ही मुंशी जी के मना स्थिति का आभास होता है, वे दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और दुख और क्रोध में आकर मनसाराम हॉस्टल रहने चला जाता है। वह इतवार की छुट्टी में भी घर नहीं आता। अपने पिता की कुंठित सोच को लेकर मनसाराम का फूल सकोमल हृदय सहन नहीं कर पाता और धीरे धीरे वह बीमार पड़ जाता है। उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जैसे ही यह बात निर्मला को पता चलता है, वह भागी भागी अस्पताल जाती है और डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मेरे शरीर का सारा खून निकाल कर मेरे बेटे के शरीर में डाल दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। निर्मला को देखते ही मनसाराम अपने बिस्तर से उठ कर उनकी चरणों में गिर पड़ता है और कहने लगता है कि माँ, आपके प्रति हमेशा मेरा मन निर्मल रहा है। अगर दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मेरा जन्म आपकी कोख से हो। ऐसा कहते हुए वह प्राण त्याग देता है। निर्मला को अच्छी तरह से पता था कि मनसाराम की मृत्यु का कारण उसके पिता का शक ही है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाती और पति परायणता बनी रहती है। मुंशी तोताराम को भी ज्ञान था कि मनसाराम की मृत्यु की वजह वे खुद हैं, लेकिन वे चुपचाप घुटते रह जाते हैं। अब पुत्र शोक में मुंशी जी का मन कचहरी में नहीं लगता। धीरे धीरे वे मुकदमा लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगता है। मुंशी जी का दूसरा बेटा जिया राम कुसंगति में पड़कर निर्मला के सारे गहने चोरी से बेच देता है और आखिर में पुलिस और समाज की डर से आत्महत्या कर लेता है। उनका छोटा बेटा सियाराम गरीबी और टूटते बिखरते रिश्तों से विरक्त होकर साधुओं के साथ कहीं चला जाता है। सियाराम के घर छोड़कर जाने के कारण मुंशी जी निर्मला को मानते हैं और उस पर क्रोधित होते हैं और उसकी तलाश में घर से निकल पड़ते हैं।
अब निर्मला की पति परायणता कोई काम नहीं आती। उसकी जीवन में कुंठा, घुटन, अप्यास, अवहेलना, अनादर के सिवा और कुछ शेष नहीं रह जाता। इन सब घटनाओं ने मधुरभाषी निर्मला को कर्कश बना दिया था। मुंशी जी को घर से निकले हुए एक महीना से ऊपर हो गया था, अब उनके आने की भी कोई खबर नहीं थी। निर्मला अपने अंतिम समय में अपनी माँ कल्याणी की तरह ही अपनी बेटी की चिंता करते हुए और पाई पाई बचाते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है। जिस समय मोहल्ले वाले निर्मला की लाश को घर से बाहर निकालकर बात कर ही रहे थे कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तभी वहां एक बूढ़ा पथिक आता है। वह थे मुंशी तोताराम। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा, गरीबी और बेमेल विवाह की वजह से फूल सी बच्चियों का जीवन दुर्गम हो जाता है और कैसे एक जरा सशक्त सर्वनाश का कारण बनता है। वैसे तो इस उपन्यास को लिखे हुए लगभग 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी कई बेटियां हैं जो दहेज प्रथा, बेमेल विवाह और कुंठा घुटन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं। थैंक यू।